हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आरएमएस के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इसे आप लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के नाम से भी जानते हैं। यहां हम लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में दो जगह एंट्रेंस दिए जाते हैं। फर्स्ट होगा क्लास सिक्स के लिए और सेकेंड होगा क्लास नाइन्थ के लिए। तो क्लास सिक्स का एंट्रेंस बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए होगा, जबकि क्लास नाइन्थ एंट्रेंस केवल और केवल बॉयज के लिए होगा। अब ऐसे ही बहुत सारे डाउट्स आपके मन में होंगे, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या होती है भाई, डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, कब ये चीजें कंडक्ट की जाती है एंड सो ऑन। तो आज के इस सेशन में इन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज का सेशन शुरू करूं इससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, जेएनवी जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। तो भाई ये एक इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल है जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू काम करता है, और डिफेंस मिनिस्ट्री आपको यहाँ पे एनडीए के लिए प्रिपेयर करती है। तो आफ्टर ट्वेल्थ आप यहाँ से एनडीए का एंट्रेंस एग्जाम देकर क्वालिफाई करके एनडीए में या फिर नेवल अकेडमी या एयरफोर्स अकेडमी, जो भी आपका चॉइस होगा उस अकॉर्डिंग आप वहां पे जा सकते हैं। अब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हमारे भारत में कितने हैं, तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल टोटल इंडिया में पांच हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का चैल आता है। उसके बाद राजस्थान में देखेंगे तो अजमेर और धौलपुर है। फिर आप साउथ की तरफ चलेंगे तो कर्नाटका में बेलगाम और बेंगलुरु है। तो ये टोटल फाइव राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब इनमें एंट्रेंस कैसे होता है, तो क्लास सिक्स और नाइन्थ के लिए एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है, और इस एंट्रेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है। इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं क्लास सिक्स के लिए। तो भैया क्लास सिक्स का जो आपका पेपर होता है उसमें चार पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला आपसे यहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि इंग्लिश जस्ट क्वालिफाइंग है, इसका मतलब है आपको जस्ट इंग्लिश को पास करना है विथ 35% मार्क्स, और उसके बाद आपसे उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं करेंगे मेरिट के लिए। उसके बाद आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, यहाँ भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 35 नहीं, इस बार आपको 40% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, रीजनिंग के अंदर एटलीस्ट 40%। फिर आता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी 50 मार्क्स का है, जिसमें से आपको एटलीस्ट 40% लाना है क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आता है आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो भाई जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स भी 50 मार्क्स का है, इनमें भी आपको क्या करना है, एटलीस्ट 40% मार्क्स लेकर आना है। अब यहाँ ओवरऑल 200 मार्क्स का पेपर था, जिसमें से 50 मार्क्स अगर आप इंग्लिश के हटा देते हैं तो रिमेनिंग जो है 150 इसमें से आपका मेरिट बनाया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, आप इसे क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। नेक्स्ट आता है क्लास नाइन्थ का एंट्रेंस, और भैया क्लास नाइन्थ के एंट्रेंस को दो पेपर में बांटा गया है, हालांकि दोनों ही पेपर एक साथ लिए जाते हैं। पेपर में सबसे पहला पार्ट होता है इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस का। यहाँ पे इंग्लिश जो है वो 50 मार्क्स की होगी, हिंदी 20 मार्क्स का होगा, सोशल साइंस 30 मार्क्स का होगा। ओवरऑल 100 मार्क्स का पेपर है, एटलीस्ट 50% आपको सिक्योर करना जरूरी है। इसके बाद आता है पेपर टू, जो कि मैथ्स और साइंस का होगा। ये दोनों ही इक्वल 50-50 मार्क्स के हैं, और इनमें भी आपको एटलीस्ट 50% सिक्योर करना है। जब आप मिनिमम मार्क्स को सिक्योर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, और इंटरव्यू के बाद अकॉर्डिंग टू द मेरिट जितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल होते हैं उस बेसिस पे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाती है। तो अब आप में से कईयों के मन में एक डाउट होगा कि सर रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है। तो देखिए भैया, रिजर्वेशन क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं तो 70% सीट्स जो है वो आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स के जो पर्सन हैं, चाहे वो जेसीओ हो चाहे वो ओआर हो, उनके लिए रिजर्व रखे जाते हैं।
जबकि अगर हम लोग बात करें 30% सीट्स की, तो 30% सीट्स में सिविलियन आम नागरिक भी अपने बच्चों का एनरोलमेंट करवा सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि सिविलियन के लिए मार्क्स ज्यादा लाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके लिए नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे कम है। अब जैसा रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, 27%, 15% और 7.5%, ये सारा ही ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर में एससी और एसटी कैंडिडेट को अवेलेबल करवाया जाता है। टोटल 50 सीट्स, ठीक है, टोटल 50 सीट्स जो है वो यहाँ पे रिजर्व होते हैं पर्सन्स जिनकी डेथ हो चुकी है किसी भी एक्शन के टाइम पे उनके बच्चों के लिए। तो 50 सीट्स टोटल मिला के रिजर्व है ऐसे पर्सन्स के लिए। अब जो क्लास 6 है वहां पे 10% सीट्स गर्ल्स के लिए भी रिजर्व की गई है, और 30 दोनों में से मैक्सिमम जो भी होगा वो यहाँ पे गर्ल्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। तो गर्ल्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती है क्लास 6 एंट्रेंस में, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे लिमिटेड है। बट अगर आपके मार्क्स ज्यादा है तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे चर्चा करनी है कि भाई आप एलिजिबल कब होते हैं। तो भैया देखो, क्लास 6 एंट्रेंस के लिए एलिजिबिलिटी के 2 नॉर्म्स है। पहला नॉर्म है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और दूसरा नॉर्म आता है आपका एज क्राइटेरिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लास 6 एंट्रेंस के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आपका बच्चा अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है, सपोज करते हैं अप्रैल 2023 में आपका बच्चा आ चुका है क्लास 5th के अंदर, तो वो इस एंट्रेंस के लिए एलिजिबल है। सेम एज 9th के लिए, अगर आपका बच्चा अप्रैल में 2023 के अंदर 8th क्लास में आ चुका है, तो वो 9th एंट्रेंस के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो भैया एज क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई बच्चा क्लास 6 एंट्रेंस दे रहा है तो वो 10 से 12 साल का होना चाहिए, लेकिन इनकी कैलकुलेशन कब होगी? इनकी कैलकुलेशन होगी 31 मार्च 2024 के दिन, जिस दिन ये लोग वहां पे एंट्रेंस आपको देंगे। तो 31 मार्च 2024 के दिन आपका जो एज है वो 10 से 12 साल का होना चाहिए। इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, और सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपको बता सकता हूं, 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक के कोई से भी बच्चे हैं तो वो क्लास 6 एंट्रेंस के लिए एलिजिबल है। जबकि क्लास 9 के लिए 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2011 तक के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो इस एंट्रेंस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ये डेट्स आपको बाद में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग भी वेरीफाई करना है। तो ऐसे अपडेट्स हम चैनल पे देते रहते हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड ऐसे ही अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।